दोस्तों बहुत बड़ी खबर आई है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। फॉर्म लिस्ट आज से आना शुरू हो गया है। आप सही सुन रहे हैं, कान खोल के सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। क्योंकि अगर क्लास 11th की बात करें तो क्लास 11th का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया लेकिन फॉर्म लिस्ट नहीं आया था। लेकिन आज के बाद, आज से शुरू हो गया है फॉर्म लिस्ट आना। फॉर्म लिस्ट का मतलब ये होता है कि एडमिशन के लिस्ट, इन इन कैंडिडेट्स का एडमिशन इस डेट को हो रहा है। तो फॉर्म लिस्ट बहुत ज़रूरी होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के लिए। रिजल्ट आ जाता है, अगर फॉर्म लिस्ट में नाम नहीं है तो एडमिशन नहीं होता है। तो फॉर्म लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिगार्ड टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सो लेट्स बिगिन और स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फॉर्म लिस्ट किस किस का आया है। तो उसको देखने के लिए आपको यहाँ एडमिशन सेक्शन पर यहाँ पे आप जाना पड़ेगा। यहाँ जाकर देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्ले ऑफ फॉर्म एडमिशन लिस्ट, इस पर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे आपको ये जो काउंसलिंग का जो वेब पेज है उस पर आपको लेके जाएगा, जहाँ पे आप हर कोर्स का देख सकते हैं। जैसे फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में जाएंगे तो ये देखिए बीएससी नर्सिंग में शेड्यूल आ गया था एडमिशन का। अब एडमिशन का शेड्यूल आ गया था तो फॉर्म लिस्ट पहला आ गया है, ये देख लीजिए। फॉर्म लिस्ट कैसा होता है आपको दिखा देता हूँ। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग फॉर्म लिस्ट फर्स्ट सेशन 2022-23। रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, ये एक पेज के है। इसके मतलब ये है कि आपका जो फॉर्म लिस्ट वन में आया है, इन इन कैंडिडेट्स ने फाइनल जगह बनाई है और इन्हीं लोगों का एडमिशन होगा। अब बचे हुए सीट रहेंगे तो फॉर्म लिस्ट सेकेंड आएगी, फिर थर्ड आएगी, फिर फोर्थ आएगी, फिफ्थ आएगी, सिक्स आएगी, सेवन्थ आएगी। अगर मान लीजिए कि कोई एडमिशन ले लेता है और छोड़ता नहीं है तो आगे का फॉर्म लिस्ट नहीं आएगी। फिर से ध्यान दीजिए, अगर कोई एडमिशन फॉर्म लिस्ट में ले लेता है, सभी ले लेते हैं और कोई छोड़ता नहीं है तो फॉर्म लिस्ट आगे का नहीं आती है। उसी तरह जितने भी आपके कोर्स है, हर कोर्स में देख सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर में शेड्यूल आया है काउंसलिंग का लेकिन फॉर्म लिस्ट नहीं आया है। आर्ट्स की बात करें तो इसमें भी शेड्यूल आया है, फॉर्म लिस्ट नहीं आया है। अब बात करेंगे कॉमर्स में, इसमें भी फॉर्म लिस्ट नहीं आया है, सिर्फ शेड्यूल आया है, काउंसलिंग शेड्यूल आया है। इंजीनियरिंग में भी फॉर्म लिस्ट किसी का नहीं आया है। लाइफ साइंसेज में फॉर्म लिस्ट नहीं आया है। फैकल्टी ऑफ लॉ में देख लेते हैं, इसमें भी फॉर्म लिस्ट नहीं है। इंटरनेशनल स्टडीज़ में देख लेते हैं, फॉर्म लिस्ट नहीं आया है। मेडिसिन में फॉर्म लिस्ट बीएससी नर्सिंग का आ चुका है। जिनका नहीं आया है वो लोग थोड़ा सा इंतज़ार करें, थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा पेशेंस रखें, आपका भी रिजल्ट यानी फॉर्म लिस्ट आएगा। तो चलिए 11th का देख लेते हैं। 11th का भी फॉर्म लिस्ट नहीं आया है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग काउंसलिंग का शेड्यूल भी नहीं आया, तो डिप्लोमा इंजीनियर काउंसलिंग का शेड्यूल आना बाकी है और फॉर्म लिस्ट 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स साइंस के बाकी है। उसके बाद सेल्फ फाइनेंस फॉर्म निकलेगा, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस के बच्चे बहुत परेशान हैं कि हमारा फॉर्म कब आएगा। तो परेशान होने की बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ एक्शन लेना है। एक्शन क्या लेना है कि देखिए, फॉर्म जब निकलेगा तब भरा जाएगा। उससे पहले हमें जहाँ जहाँ मौका मिलता है वहाँ वहाँ आप अप्लाई करते रहिए, एडमिशन लेते रहिए। क्योंकि सेल्फ फाइनेंस का जो लिस्ट आएगी उसमें भी कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स का होगा, ये नहीं कि 5000 अप्लाई करेंगे तो 5000 का हो भी जाएगा। तो इसीलिए आप भी इसी साल अल्टरनेटिव अपना देखते रहिए कि मुझे क्या फिर अगले साल के लिए तैयारी करनी है। तो TBIT क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर तैयारी नहीं करनी है तो कहीं एडमिशन लेना है इस साल कहीं ना कहीं, तो वहाँ भी ट्राई करते रहे, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस का कोई भरोसा नहीं कि आपका उसमें हो ही जाएगा। ठीक है, फॉर्म निकलेगा तो मैं इसी पे इत्तला कर दूंगा, इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, आपको शेयर करूंगा, क्योंकि इसी चैनल पे आपको हर चीज़ AMU का, जामिया का, BHU का मिलता है डिटेल। तो इसी पे बने रहिए और रहिए बिल्कुल वीडियो के साथ, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय AMU।